हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। आज हम लोग माइनक्राफ्ट में पूरे 16 आर्मर टीम्स को ढूंढने वाले हैं। फिलहाल मैं अपनी शॉप में हूं क्योंकि मेरे को शॉपिंग करनी है, सारी तैयारी करनी है, उसके बाद हम लोग यहां से निकल पड़ेंगे। और इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने एक थ्रेड में अकाउंट बनाया था और उसी में वो लज के रह गया। तो फिलहाल हम लोग तैयारी करते हैं और फिर जाके निकल जाएंगे यहां से, क्योंकि मेरे को बहुत सारी तैयारी करनी है और बहुत लंबे सफर पर जाना है। गाइस फाइनली सारी तैयारी हो चुकी है और मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूँ। इसमें हमारे रॉकेट्स हैं, इसमें है हमारा खाना, ये हमारे आर्मर ट्रिम्स के लिए है, और इसमें है हमारा बाकी सारे टॉर्चेज वगैरह, वूल वगैरह, क्योंकि हमको इंजन सिटी पे जाना होगा। इसमें ब्रशेस वगैरह हैं और मिल्क वगैरह है, बाकी सब कुछ है इसमें। और कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो मैं भूल रहा हूँ, मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ रख लिया है। अब अगर कुछ होगा तो हम लोग उसको वहां पे ले लेंगे, बट बाकी मैं सब कुछ ही लेके जा रहा हूँ। फिलहाल अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और एक आखिरी बार अपने विलेज को देख ले जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद आऊंगा तो यार इन लोगों की याद भी आती है ना। ये देखो यहाँ पे सब लोग अपने काम पे लगे हुए, यहाँ मार्केट का हाल देखो तो यहाँ पे लोग मार्केट में अच्छे से काम कर रहे हैं और ये इसकी देखभाल कर रहा है कि कोई यहाँ पे चोरी चकारी ना करे। वैसे खुद ही चोर चकार लग रहा है, बट हाँ ऐसा नहीं होगा। और ये बंदा अभी तक यहाँ से निकला नहीं, तो यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। अब हम यहाँ से ना, इस बार मैं नेदर के रास्ते नहीं जा रहा हूँ, तो हम लोग इस बार कहाँ से जाते हैं? पॉजिटिव एक्स हम लोग पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं। यहीं से हम लोग जा रहे हैं आराम से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ डायरेक्शन ऐसी है जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा घूमा नहीं हूँ। तो हम लोग जाएंगे और पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि जो ओवरवर्ल्ड के हैं, यानी कि जो ऊपर ही हमको दिख जाएंगे ओवरवर्ल्ड में, उनको लेने के। जैसे कि हमको शिपरैक हो गया, ओशन मॉन्यूमेंट हो गया हमको, और उसके बाद से डेजर्ट टेंपल हो गया, यहाँ से ये सब चीजें, और ट्रेल रुइंस हो गया, वो भी हमको ढूंढने। बहुत सारी चीजें होती है, तो पहली लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमको पहले। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बहुत दूर, और सबसे पहले मैं ढूंढने वाला हूँ कोस्ट आर्मर ट्रिम, जो कि हमको मिलता है शिपरैक में, जिसके चांसेस है 16.7%। तो इतना मुश्किल नहीं होने वाला और हमको शिपरैक भी आसानी से मिल जाती है, तो बस थोड़ा सा और हम लोग आगे पहुंचेंगे। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग नए चंक्स में आ चुके हैं, तो यहाँ पर अब जो भी ओशन मिलेगा, वहां पर जो भी शिपरैक मिलेगा, हम लोग उसमें कूद पड़ेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारा पहला, यानी कि कोस्ट आर्मर ट्रिम। और हाँ, कंफर्मेशन मिल चुकी है क्योंकि हम लोग आ चुके हैं चेरी ब्लॉसम बायो में, तो यानी कि हम लोग नए चंक्स में आ चुके हैं। पिंक शिप मेरे को पिंक शिप मिली यहाँ पर, जो बहुत रेयर होती है, बट क्या कर रहा हूँ, किससे आगे बढ़ते हैं। अब हमको फाइनली ओशन मिल चुका है, तो यहाँ पे उम्मीद है मेरे को काफी। ओके, पहली शिपरैक हमको मिल रही है, इसमें क्या हमको कोस्ट आर्मर ट्रिम मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे बहुत छोटी सी शिपरैक है, बट जाके पता चलेगा कि है या नहीं है। यहाँ पे चेस्ट एक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्या कोई और चेस्ट है? मुझे नहीं लग रहा है। A few moments later. Okay, एक और शिपरैक मिली हमारी, सेकंड है, अभी खुली नहीं। इसमें मैप और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं और काम की चीज है। ओके, मुझे लगता है कि ना मुझे अपने वाटर ब्रीदिंग पोशंस, जो मैं इतनी मेहनत से बना के लेके आया हूँ, उनको निकालने की जरूरत है, क्योंकि हम आराम से उसके बाद से देख सकते हैं। टॉर्च किधर है? ये फट से इसको करते हैं थ्रो और आराम से अब जाके एक्सप्लोर करते हैं। एक चेस्ट में कुछ नहीं है, दूसरी वाली चेस्ट में देखता हूँ कि कुछ है क्या। नहीं, दूसरी चेस्ट में भी कुछ नहीं है। अब थर्ड चेस्ट में देखनी पड़ेगी कुछ मिलता है या नहीं। यार ये कुछ अजीब दिख रही है शिप। ओके, तो यहाँ पे तो यार कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ढूंढना। बड़ी मुश्किल से तो दो शिपरैक मिली, उनमें से दोनों में नहीं था कुछ भी, तो समझ में आ रहा है कितना मुश्किल होने वाला है। अगर यहाँ पर जंगल टेम्पल दिख गया तो हम लोग अपना दूसरा वाला आर्मर भी, वाइल्ड वाला, उसको भी ले सकते हैं, बट जंगल टेम्पल ऐसा तो नहीं मिलने वाला इतने छोटे से जंगल में। Meanwhile. भाई साहब, हम लोग कुछ और ढूंढ रहे थे और हमको अचानक से ये मिल चुका है बीच में, जो कि बहुत मुश्किल था। और पता क्या, मैं मैप तो लाया था ओशन मॉन्यूमेंट वाला, मेरे को जंगल वाला भी लेके आना था और मैं लाना भूल गया। मतलब मेरी बेवकूफ़ी अभी मुझे और परेशान करती है, लेकिन हमको मिल चुकी है ये, और मेरे पास पता है सिर्फ एक टोटो होंडाइंग है, तो इसी से हमको काम चलाना होगा, इसी से हमको बाकी एंजन सिटी में भी काम चलना होगा। कैसे होगा बाद में देखेंगे। वैक्स आर्मर ट्रिम मिलने के चांसेस हैं पूरे 50%, यानी कि सबसे इजी जो है वो है स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला, आई वाला, जिसके चांसेस है 100%, इसके 50% है, तो इतना मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी ये इतना मुश्किल होता है यार इसको ढूंढना। हम लोग एकदम परफेक्ट लोकेशन पर आ रखे, यहीं पर चेस्ट होती है, तो बिना किसी को बताए हट जा।
मैं कुछ काम के लिए आ रखा हूँ यहाँ पे, चुप रहे, किसी को बताओ मत देना मैं क्या करने आ रखा हूँ यहाँ पे। यहाँ तो कुछ नहीं होगा, क्रीपर वगैरह तो नहीं होगा। ओके यहाँ पे एक चेस्ट है, यार पहले में ही मिल जाता है ना। ओह वैक्स हमको मिल चुका है, स्मिथिंग टेम्पलेट। ओके तो हमारा पहला टास्क हो चुका है कंप्लीट। हम लोग ढूंढने कुछ और आए थे लेकिन हमको मिल कुछ और गया, जबरदस्त। ये तो बहुत इजी था बट हाँ इसको मिलना ढूंढना मुश्किल था, इतना बड़ा वुडलैंड मेंशन, पर हमको आसानी से मिल चुका है बीच में। और ये मेरा पहला वुडलैंड मेंशन है, अभी तक मेरे को कोई भी वुडलैंड मेंशन नहीं मिला, मैंने कहीं ढूंढने की कोशिश करी भी नहीं है। इसके बीच में हमको अगर ट्रेल जोन्स मिल जाएंगे ना और मजा आ जाएगा सही में। हम लोग ढूंढने तो जा रहे हैं कोस्ट लेकिन हमको मिल कुछ और ही रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ना एक ओशन मॉन्यूमेंट है, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ के गार्डियन को मार के टाइड आर्मर ट्रिम को ले सकते हैं, जिसके चांसेस है 20%, इतने कम भी नहीं है, तो मिलने के चांस हैं। तीन एल्डर गार्डियंस होते हैं, तीनों को मारेंगे तो मुझे लगता है कि यार हमारे चांस पूरे 60% हो गए, तो आसानी से मिल जाएगा। इससे पहले कि वो देखे हम लोग सीधा ना अंदर घुसते हैं। अभी ओके पहुंच चुके। वाटर ब्रीदिंग पोशन, और अब ये फंसा हुआ है, नहीं ये फंसा नहीं, मुझे लगता है कि मुझे वेट नहीं करना। चलो मर गया आराम से यार, एक सेकंड मिला। स्पंज छोड़ो। ओहो, हमको मिल चुका है, एक और मिल चुका है। अब मेरे को रास्ता देखना है मैं कहां से आया था। ओके निकल जाओ यहां से, हमारा काम हो चुका है आसानी से, अब निकलते हैं यहां से। अब बस मेरे को ना शिपरैक नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शिपरैक क्यों नहीं मिल रही मेरे को। शिपरैक मिलना इतना आसान होता है बट ओह एक सेकंड, शिपरैक है क्या यहाँ पे? छोटी सी शिपरैक मिल रही मेरे को, एक सेकंड इसके अंदर होगी क्या, ट्राई करके आते हैं। छोटी सी शिपरैक, बहुत ही छोटी शिपरैक मिल रही, मतलब समझ नहीं आ रहा कि इतनी क्यों मिल रही है, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर यार। Much later. ये कोस्ट वाला हमको मुझे लग रहा है कि अभी नहीं मिलने वाला, बहुत परेशान करेगा हमको। पांच शिपरैक में नहीं मिला मेरे को यार, पता नहीं आगे क्या होगा, आगे जो मुश्किल वाले हैं उनको कैसे ढूंढ पाएंगे मुझे नहीं पता, बहुत मुश्किल होने वाला है काम। इतने घने जंगल के बीच में मुझे कैसे पता चलेगा यार, अगर होगा भी तो छिपा हुआ रहता है ना, बहुत बड़ा जंगल है, मुझे चांस लग रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है बट दिख नहीं रहा, तो क्या मुझे ऐसे नीचे घूमना चाहिए? बट नीचे घूम के तो मैं पूरा जंगल छान नहीं मार पाऊंगा यार, मुझे ना हर चीज के मैप होने चाहिए थे, मैं मैप से आराम से ढूंढ लेता। अच्छा तो उस वाले जंगल में तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, मैं अभी दूसरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ। यार जंगल तो बहुत है यहाँ पे लेकिन इतने घने जंगल है कि समझ नहीं आ रहा। मन तो कर रहा है कि यार मैं एक वो लेके ना फ्लिंट एंड स्टील लेके पूरा जंगल जला दूं, उसके बाद मुझे समझ में आएगा। देखो ऐसे में कहां पता चलेगा आपको किधर है। ओह शिट, ओह नहीं, मिल सकता। अगर इतने खुले में हो तो आराम से दिख सकता है लेकिन घने जंगल में पता नहीं मैंने कितने जंगल टेम्पल मिस किए, बट ये वाला हमको आसानी से दिख गया, खुले में था ना ये बहुत ही। अब यहाँ पर होगा या नहीं होगा वो देखना है हमको, ठीक है तो टॉर्च लेते हैं और लाइटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर होगा हमारे लिए ट्रैप और ट्रैप नहीं है, भूल गया लगाना। ओके तो पहली चेस्ट नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है पहली चेस्ट में, उसके बाद दूसरी चेस्ट आई थिंक यहाँ कहीं पर होगी, यहाँ पर। ओह यार इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक मेरे को जंगल टेम्पल मिला है उसमें भी कुछ नहीं है। ओके तो अभी थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा, तो अब इसका मतलब यहाँ तो नहीं हो सकता, अब मेरे को दूसरे जंगल जाना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ पे तो नहीं था यार, ना ही मुझे ओशन में शिपरैक दिख रहे हैं, शिपरैक कहाँ ख़त्म हो गए आज। वो डेजर्ट पिरामिड मिल जाए यार, हमारा एक एक करके कुछ तो हो, हमारा टास्क कम्प्लीट तो हो। चलो अभी हम लोग ना यहाँ से ढूंढने जा रहे हैं एक डेजर्ट पिरामिड जो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वायोम है और ये पूरा डेजर्ट वायोम है। तो अब हम लोग छोड़ रहे हैं कोस्ट, छोड़ दो कोस्ट नहीं चाहिए हमको भी फिलहाल, अभी हम लोग बाकी ढूंढ रहे हैं। तो मुझे डेजर्ट पिरामिड, ओ ये कितना तेज भाग रहा है। मैं इसको बीच बीच में ना कैक्टस खिलाते रहूंगा। नहीं, अभी घर नहीं जाना, अभी तो काम हुआ ही नहीं मेरा, अभी कहाँ से घर निकल रहा है। तो यार ये बहुत ही ढीला है, बहुत ही धीरा, बीच बीच में सो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको करना क्या है, भूख लग रही है या थक जा रहा है। और देखो एकदम झटके से थोड़ी सी स्पीड बढ़ी थी लेकिन वो स्पीड बढ़ कब रही घट कब रही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा बायो में भी खत्म होने वाला, तो बीच में कहाँ से आ गए, दे रहा है क्या मेरे को सारे आर्मर ट्रिम, बेच रहा है क्या, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला।
बताओ। ये कुछ नहीं बेच रहा यार, ये देखो फिर सो गया यार ये। तो हमको ना डेजर्ट टेंपल में मिलता है ड्यून आर्मर ट्रिम, जिसके चांसेस होते हैं 14.3%, जो कि बहुत ही कम है, अभी तक का सबसे लो है। 16% चांस थे कोस्ट के, जो कि हमको शिपरैक में मिलता है, वो अभी तक हमको नहीं मिला है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये लो यार, तुम बांधो अपनी गैया, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही स्लो है और ऐसे में तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। मुझे लगा था कि शायद इसकी पीठ ऊंची है तो हम लोग ढूंढ पाएंगे, तो खत्म ही हो गया। एक सेकंड, एक और है। ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ओके 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 ओके, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। मिल जाना चाहिए यार पहले में, अब और नहीं ढूंढने मुझे यहाँ पे, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना बाकी फालतू में। ओ नहीं नहीं नहीं, लास्ट बच रही है। अरे यार नहीं है। ओके कोई बात नहीं, किस्मत खराब ही है हमारी। अब मेरे को और ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पर आस पास में। डेजर्ट पिरामिड तो ये ढूंढ लिया था हम लोगों ने, अब हम आसपास कहीं और ढूंढते हैं, तो खत्म ही हो गया यहाँ पे। ओह नहीं नहीं, गोल्डन एप्पल मिल रहा है मेरे को, नहीं इतने नहीं चाहिए। अबे यार दूसरे में भी कुछ नहीं है। किस्मत देख रहे हो कितनी खराब चल रही है। तो कोस्ट आर्मर ट्रिम ढूंढने के चक्कर में मेरे को सब कुछ मिल रहा है। फिलहाल हम लोग एक पिलेजर आउटपोस्ट में जा रहे हैं, जहाँ पर होता है सेंट्री आर्मर ट्रिम, जिसके चांसेस होते हैं 25%। तो उसके पीछे एक जंगल भी है, तो हम लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही चेस्ट होती है और पता ही है कहाँ पर क्या होने वाला है। फिलहाल देखते हैं कि क्या इसमें, नहीं गोट वाला मिल रहा है मेरे को, इसको बजा के देखते हैं। यार 25% चांस होते हैं उसमें भी। यार यहाँ पर कुछ नहीं है, अब जंगल में देखते हैं। इतना घना जंगल है यार, इसके बीच में मुझे ढूंढना है जंगल टेंपल। अरे तो छोटा सा है, लेकिन क्या पता छोटे के बीच में भी जंगल टेंपल मिलता हो। ये देखो, ये जो नहीं चाहिए ना मुझे, वो सब चीजें मिल रही है, काम का कुछ नहीं मिल रहा, और मुझे यहाँ पे वही नहीं मिल रहे हैं। सोच रहे हो शिपरैक इतने कॉमन होता है, शिपरैक ही नहीं दिख रहे मुझे, मतलब मिले हैं। ये देखो ओशन मॉन्यूमेंट इतने दिख रहे हैं। ओ एक और शिपरैक मिल रहा है एक, बट उसके पीछे डेजर्ट। देखो चीजें पता है जो जो चाहिए होती है सब मिल रहा है, लेकिन वहां पर काम की चीजें मिल रही है, और ये आधा अधूरा क्यों मिल रहा है मेरे को यार, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो मुझे ना पता भी नहीं कि कहां पे मिलता है। इसमें एक के अलावा कोई और चेस्ट भी है, देखो पूरी तिरछी पड़ी हुई है। एक और चेस्ट आई थिंक ऊपर, नहीं ऊपर तो नहीं है, ये वाली ढूंढ ली ना। ओके यहाँ पे एक और चेस्ट है, ये तो चल रहा है ना। ओके वाटर ब्रीदिंग पोशन भी खत्म होने वाला है इससे पहले। दो दो कोस्ट आर्मर ट्रिम इतने देर बाद मिला, लेकिन दो मिले। फिलहाल यहाँ से निकल रहे। अरे वाह यार फाइनली एटलीस्ट कुछ तो मिला, इतनी देर से ढूंढ रहा था मैं। 16.3% चांस होते हैं कोस्ट आर्मर ट्रिम के। तो अभी हमारे पास हो चुके हैं 3 आर्मर ट्रिम, यानी कि 4 हो चुके हैं, बस 3 अलग अलग टाइप के हो चुके हैं। हम लोग उनको आराम से कॉपी करके 3 से 30 बना सकते हैं। इसको ओपन करते हैं और इसमें रख देते हैं हम लोग अपना 3rd। तो 3 हो चुके हैं, अभी मेरे को 14, 15, 16, 13 और चाहिए। बाप रे बहुत ज्यादा है यार। डेजर्ट टेंपल ढूंढने के चक्कर में ट्रेल रिमेंस मिला है, मतलब उसके साइन मिला, और वो भी होगा। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर जंगल टेंपल, और मेरे को मिल कुछ और रहा है, बट यहाँ पे ना मेरे को 4 अलग अलग टाइप के आर्मर ट्रिम्स मिलते हैं, जो सिर्फ मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। तो उनके चांस 8.3% है चारों के। तो फिलहाल यहाँ पर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हमको शेपर मिलेगा, और हमको यहाँ पर होस्ट मिलेगा, और रेजर मिलेगा, और एक वे फाइंडर मिलेगा। तो 4 हमको मिल सकते हैं एक जगह पर। सोच रहे कितना हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन अब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है इससे पिछले एपिसोड में जब मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था 1.20 में, ये देखो कितनी गंदी चीज मिल रही है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला था, मतलब एक भी आर्मर ट्रिम नहीं मिला था। और ये तो अभी मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा था, क्योंकि इनको ढूंढना भी थोड़ा ना मुश्किल ही है। तो यार उस टाइम पर तो नहीं मिला था मुझे, मुझे आज भी चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। जंगल टेंपल तो जब भी मिलेगा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना 4 मिलने हैं, और 4 के 4 मुझे चाहिए। Several bad puns later. तो गाइस हमारा पहला आर्मर टीम मेरे को मिल चुका है, जो कि सिर्फ हमको यहीं पर मिलता है। इसका नाम क्या है अभी देख के पता चलेगा। तो इसको रखते हैं अपने इन्वेंट्री में, और ये है, एक सेकंड आ क्यों नहीं रहा, कहाँ चले गया। तो ये है रेजर। अब ऐसा ना हो कि सारे मेरे को इसके अलावा रेजर ही मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर अभी मुझे सिर्फ ये तीसरी सस्पिशियस ग्रेवल है, हाँ ये है। अबे हो है ये क्या है, वो एक और है, लेकिन ये भी मुझे रेजर ही लग रहा है कि रेजर है। नहीं ये कुछ और है। ओके 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 कुछ और है। शेपर मिल चुका है,
ओके, तो अभी हमको थर्ड मिलने वाला है इसमें। एक भी ग्रेवल खत्म नहीं होना चाहिए बिना उसके, बिना झाड़ू लगाए कुछ भी खत्म नहीं होना चाहिए। मुझे सबको ब्रशिंग करके देखना है कि किसमें क्या होने वाला है। ये तो कहीं पता भी नहीं चल पा रहा है, तो सैंड में इजीली पता चल जाता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। A few moments later. तो गाइज हमको मिल चुका है एक और ये भी अलग है क्योंकि स्टैक नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं कि ये कौन सा वाला है। हमको मिल चुका है होस्ट, हमको मिल चुका है रेजर, हमको मिल चुका है शेपर, अब हमको चाहिए वेफाइंडर। तो क्या वो इसमें होने वाला, इसमें तो कुछ नहीं, कैंडल है इसमें। The next day. तो यहाँ पे ना एक और आर्मर ट्रिम मिल रहा है, अब ये कौन सा होगा नहीं पता मुझे, ये अलग है। ओके, तो फाइनली गाइज हमारे पास, मैं फटाफट से कहानी कहाँ गए हमारे, ये निकालता हूँ। मैं इतने सारे ब्रश बना के लेके आया था लेकिन ये बहुत ही आसानी से मिल गया, मुझे लगा था कि यार टाइम लगेगा। देखो वे फाइंडर है, ये है हमारा होस्ट, ये है हमारा रेजर और ये है हमारा शेपर, सारे के सारे मिल चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से वापस क्योंकि यहाँ पर काम हो चुका है। यार मेरे को इसी तरीके से ना कहीं पर जंगल टेम्पल भी दिख जाए। यार जंगल टेम्पल देखने के चक्कर में मेरे को ये मिला इतने घने जंगल के बीच में। ओके, तो यार अभी डेजर्ट वाला चाहिए हमको ओवरवर्ल्ड में और हमको जंगल टेम्पल चाहिए, तो ये दो चाहिए। उसके बाद हम लोग जो अंडरग्राउंड है ना, यानी कि एंशिएंट सिटी वाला सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके अलावा हम लोग एंड सिटी के कर सकते हैं, एंड के कर सकते हैं हम लोग, नेदर के कर सकते हैं, नेदर के भी बहुत ईजी होने वाले हैं। चलिए फिलहाल घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, देखते हैं कि कब तक दूसरा मिलता है हमको, स्ट्रक्चर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि जंगल टेम्पल मिलना भी आसान नहीं हो रहा यार। तो पिलेजर आउटपोस्ट कुछ है ही नहीं यार, तो एक और पिलेजर आउटपोस्ट मिल रखा है और 25% चांस होते हैं सैनिटरी आर्मर ट्रिम के। ठीक है 50% हम लोग, मतलब दो देख लिए, उसमें ये तीसरा वाला है हमारा। कितने आ गए, ओ शिट, यहाँ से भी आ रहे, ओ इतने सारे कहाँ से आ गए तुम लोग, अबे रुक जाओ। इसमें यार इसमें मिल जाए मेरे को, अब मैं और नहीं ढूंढ सकता, दिमाग खराब। यहाँ पे मेरे को वैसे रक्त नहीं हो, चुरा लिया का पहले ही चुरा लिया इन लोगों ने। ये सही है टाइम पास करने के लिए, ये सही है। तीन प्लेजर आउटपोस्ट मिल चुके, तीनों में से एक में भी कुछ भी नहीं था। सोच रहा 25% चांस थे, उसके बाद यह हाल है। जो एंशिएंट सिटी वाला है जिसके 3% 4% 10% से नीचे चांस है, उसमें क्या होगा। हम लोग कुछ और ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ और चीजें मिली और वो जो चीज है ना वो बहुत ही काम की है। तो यहाँ पे मुझे मिला एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल जो इतने टाइम तक ढूंढने के बाद पहली बार मेरे को मिला है। मतलब हम लोग आज बहुत देर से ढूंढ रहे हैं और बहुत अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे हैं, तो मेरे को दो तीन जो टेम्पल्स है ना वो तो देख लिए बट ओके। तो फाइनली हमको ड्यून आर्मर ट्रिम मिल चुका है जिसके चांसेस होते हैं 14 point something, तो ये भी मतलब थोड़ा मुश्किल था ढूंढना, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, अब जाके मिला हुआ है। तो इसको रख लेते हैं हम लोग अपने बॉक्स में, अभी तो मैंने बाकी देखे भी नहीं। और हमें क्या है, कुछ खास नहीं है वैसे यार, तो करेंसी है ना, ये रखना चाहिए यार, करेंसी क्यों नहीं रखता हूँ मैं। और अब जाके हम लोग उठाते हैं यहाँ से ड्यून आर्मर ट्रिम। तो हमारे पास हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि आधी जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। लेकिन जब आगे की जो आधी जर्नी है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि अब थोड़े मुश्किल से टास्क आने वाले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आगे और अब तो खैर यहाँ घूमने का फायदा है नहीं ना डेजर्ट टेम्पल में, मतलब कोई डेजर्ट टेम्पल ढूंढ के फायदा तो है नहीं यहाँ पे। तो ये क्या है, और ये लो फाइनली हम लोग इस जगह पर भी पहुँच चुके हैं। मैं इस वर्ल्ड में यहाँ पर गया ही नहीं था, ये जो नया वाला बायोम था ना, तो यहाँ से कुछ सैपलिंग भी लेके चलते हैं अगर हम लोग यहाँ से ना मेंढक ले जा पाए तो मैं थोड़ा ना यहाँ पर टाइम पास करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे हम लोग, फिर अपना नेक्स्ट टारगेट यानी कि वही है, मेरे को जंगल टेम्पल ढूंढना है, मेरे को प्लेजर आउटपोस्ट ढूंढना है, उसके लिए निकल पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, काम क्या करना है, यहाँ से चीज़ें लेके जानी है मुझे और कुछ नहीं, लूट मचानी है और कुछ नहीं। तो फाइनली एक और टेम्पल मिला हुआ है, अब इसमें भी होता है या नहीं, क्यों नहीं हो रहा है इनमें, क्यों नहीं है इनमें कुछ भी, किसी में कुछ नहीं है यार, दिमाग खराब हो गया, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया मैं। ये लो कुछ भी नहीं है इनके अंदर यार क्यों हो रहा है ऐसा। A few moments later. ओ, एक और मिला, ये कुछ अलग है,
इससे उम्मीदें काफी बढ़ रही है इसकी शेप देख के। ये पूरा ना ऊपर हवा में उठा हुआ है। ओके, यहाँ पर मॉब्स होंगे क्योंकि ये बिल्कुल बंद हो रखा है, बिल्कुल ही बंद हो रखा है। ऊपर तो कोई नहीं है? नहीं 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 नहीं, चलिए पुश इट। डरा रहा है मेरे को यहाँ पे। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मुझे लग रहा है उम्मीदें कम लग रही है। अभी इसमें 33% चांस है इसके, समझ रहे हो, 33.3% चांस है इसके मिलने के, उसके बाद भी ये हाल है यार। तो उसके पास में एक और जंगल पिरामिड था, मैं वहां पर आ रखा हूँ, इसको हटा लो। मैं ना हमेशा इस वाली चेस्ट से उम्मीद नहीं लगा रहा था बिल्कुल भी। फाइनली हमको मिल चुका है वाइल्ड स्मिथिंग टेम्पलेट या फिर आर्मर ट्रिम कह लो। मुझे उम्मीद थी इस वाली चेस्ट से, ये वाली चेस्ट से, और ये देखो, देख रहे हो क्या हालत है इसकी। ये लाइटर दो टूट गई है और ये थर्ड है, इसमें मेंडिंग लगी हुई है तो इसको मैं रिपेयर करूंगा। इसको हटा देते हैं। अब जाके मुझे ढूंढना है पिलेजर आउटपोस्ट। तो पिलेजर आउटपोस्ट भी मतलब ऐसा ही हो रहा है, उसका हाल चाल भी। फिलहाल अभी इलाइट्रा तो चल रही है तो मेरे को इलाइट्रा भी रिपेयर करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कहीं ना प्लेन्स में उतर के इसको रिपेयर कर लूँ थोड़ा सा, इस वाली को। तो यहाँ पर फाइनली ये वाला भी हमको मिल चुका है। यहाँ पे एक और हमको गोट हॉर्न भी मिल चुका है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सैनिटरी आर्मर ट्रिम। तो अब जाके फाइनली हमारे ओवरवर्ल्ड के ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। बॉटल ऑफ इंचेंटिंग ले लेता हूँ, थोड़ा अपनी इलाइट्रा को रिपेयर कर लेता हूँ। इलाइट्रा की हालत हो रही है खराब, मतलब इतनी सी एक्सपी मिली। तो पता है मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे माइन कर रहा था गोल्ड, और उसके वास्ते चेस्ट ढूंढने जैसे ही आया, वैसे मुझे चेस्ट मिली नहीं तो मुझे ये झलक दिखी यहाँ पे। तो अब हमारे पास हो चुके हैं, अब आधी से ज्यादा जर्नी कंप्लीट कर ली है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, अब हमको चाहिए 7 और। खत्म ही नहीं हो रहे। ओके गाइस, तो फाइनली इतने सारे आर्मर ट्रिम होने के बाद अब मुझे लगता है कि हमको ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ को निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम इतना दूर आ ही रखा हूँ तो हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड निकल जाएंगे। नेदर वाले मुझे बहुत इजी लग रहे हैं कि मिल जाएंगे, क्योंकि उनके चांस भी थोड़े ज़्यादा हैं। तो अभी हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं आई ऑफ एंडर में। 6 हो चुके मेरे पास, मैं बाकी भी बना लूँगा, इनको निकाल के रख लेता हूँ, बाकी गोल्ड वोल्ड ये सब रख लेता हूँ मैं अंदर। तो आई वाला आर्मर ट्रिम के चांस होते हैं 100% अगर हम लोग लाइब्रेरी की चेस्ट में देखें। अगर बाकी चेस्ट में देखें तो उसमें 10% चांस होते हैं। बट प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग एंड सिटी में जाते हैं, एंड शिप में या फिर एंड सिटी की जो चेस्ट होती है, वहां पे हमको जो स्पायर वाला आर्मर ट्रिम मिलता है ना, उसकी चांस होते 6.7%, बहुत ही ज्यादा कम है। अब धीरे धीरे करके हम लोग डिफिकल्ट वाले में आ रहे, फिलहाल ये इजी वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला बचा हुआ, उसके बाद से सारे डिफिकल्ट होने वाले। नेदर वाले भी होंगे डिफिकल्ट, तो यार अब थोड़ा सा और मुश्किल होने वाली है। ये विलेज देखो कितनी खूबसूरत जगह पे है यार, मतलब ये देखो आसमान देखो और ये एरिया देखो कितना सही लग रहा है, और यहाँ पे मॉब्स देखो बहुत डेंजरस है। अभी तक हमको स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिला, ये देखो ये छोटी सी कुटिया किसी की है, बर्फ की बना दी, खर्चा ही नहीं सीधे यहाँ पे वो होता है, ये इग्लू नहीं है वैसे भी। ओके देखो कितना सही सही घर है ना, अलग अलग, बिल्कुल कुछ अलग अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बंदा होगा कोई पक्का, कुछ चेस्ट में रखो डायमंड, ये लो तुम खाने पीने का खर्चा दे दिया मैंने इसको, ठीक है यहाँ से मैंने ये चीजें ले ली। ओके तो हम लोग पहुंच चुके हैं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में, बस लाइब्रेरी ढूंढनी है और उसके बाद से हमको मिल जाएगा। बाहर भी मिल सकता है, बाहर थोड़े कम चांस होते हैं। फिलहाल यह है, ये पूरा ऐसा बंद सा क्यों हो रखा है, यही है बस खत्म स्ट्रॉन्ग होल्ड? नहीं यार, ओके यहाँ से रास्ता है। अभी तो जस्ट पहुंचा ही था मैं यहाँ पे, ऐसे कैसे खत्म हो गई? तो मेरे को एक चेस्ट दिख रही है यहाँ पे, हम लोग चलते हैं। नहीं इसमें तो नहीं है, लाइब्रेरी मिल चुकी है, बस फिलहाल मेरे को यहाँ पे चेस्ट नहीं दिख रही है। यहाँ पर होती है एक चेस्ट, ओके यहाँ पे नहीं, ओ ये है। तो फाइनली हमारा आर्मर ट्रिम मिल चुका है, क्योंकि गारंटीड है ना, यहाँ तो गारंटीड होता है। और मेरे को कुछ काम की इंचेंटमेंट भी दिख रही है, जिसमें कुछ खास तो नहीं है बट थोड़े बहुत चीज़ें हैं। एक इसमें भी है फ्लेम और मेंडिंग बहुत सही कॉम्बिनेशन है तो काम आएगा। चलो अभी फटाफट से इसको रख लेते हैं हम लोग आर्मर ट्रिम्स को यहाँ पे। और फाइनली अब हमारे पास एक और आर्मर ट्रिम यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे और कुछ रखने वाली चीज़ें ये रख लेते हैं। चलो भाई यहाँ से काम हो चुका है, अब हम चलते हैं सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने, मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर अब हम चलते हैं सीधे पोर्टल रूम ढूंढने, और वहाँ पे हमको निकल जाना है एंड में। और ध्यान रखना है कि बेड लगा दूँ ताकि रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाए, और आते टाइम ये क्या हो रखा है, आते टाइम हम लोग वापस से यहीं पर आए, क्योंकि हमको नेदर जाने इसके बाद से। चलो अभी कूद जाओ सीधे एंड में।
ओके, तो यहाँ से हमको चलना है एंड सिटी में और फिर जाके देखते हैं कि हम लोग कितना टाइम लगता है वहां से मिलने में। मर गया था अभी मैं। मैंने नोटिस नहीं किया कि मैंने इलाइट्रा नहीं पहनी और फॉर्चुनेटली इसके नीचे ये था, नॉर्मली इसके नीचे वॉइड होता है। मैं गया था अभी काम से। ओके, तो हम लोग सीधे चल रहे हैं। वैसे इसको रिपेयर करने की जरूरत है नहीं, हम सीधे पहुंचते हैं कहां से। ओके, ये है। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक एंड सिटी तो दिख रही है, बट मुझे पक्का ये मतलब ये तो पास का ही है ना, तो यहाँ पे तो मैं पक्का आया हूँ, ये तो ढूंढा ही होगा। यहाँ पे तो कोई सेंस बनता नहीं है। मैं फिर भी ये देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे शांति है बहुत। ओके, तो गाइस फाइनली मुझे एक यहाँ पे शिप तो दिख रही है, बट मेरे को यहाँ पे हेड भी दिख रहा है। इसका मतलब कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने हेड कलेक्ट नहीं किए थे, तो जरूरी नहीं है कि हेड है, तो उसका मतलब लाइट है क्या वहाँ पे ढक रखी है। ओह है। ओके, इसका मतलब है हम लोग ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं पहले नहीं आ रखा हूँ। इसका मतलब ये भी है कि ये रेंडर नहीं हुई होगी ये जगह, क्योंकि अगर मैं आया होता तो पक्का ये भी लूटा होता। मैंने इतनी सारी लाइटर इकट्ठी कर रखी है, तो होती ना। यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, बट हमको मिलेगा दूसरी जगह पे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्पायर आर्मर ट्रिम को, तो यहाँ पे तो नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ओह, फाइनली ये मिल गया मेरे को। इतना मुश्किल इसको ढूंढना, मतलब इससे ज्यादा मुश्किल काम और किसी चीज को ढूंढना नहीं था। अब हम लोग एक बार इसको यहीं पर ना डुप्लीकेट करके देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले ब्लॉक चाहिए, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे को ये ब्रिक वाले ब्लॉक चाहिए या फिर दूसरे चाहिए। तो यहाँ से ये ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने से काम हो जाना चाहिए। डायमंड अपने पास है, हाँ ये कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ चुका है। ये देखो, हम लोग इससे जितने चाहें उतने बना सकते हैं, तो 2 हो जाएंगे। उसके बाद वापस डायमंड मेरे पास थोड़े से कम है। एक सेकंड, इससे इतने ही बन पा रहे हैं? नहीं, वापस बना सकते हैं। हाँ वापस बना सकते हैं ना, 3 हो चुके मेरे पास। तो गाइस मैंने सारी चीजें चेस्ट में रख लिया और अपना जितना भी इन्वेंट्री था प्रॉपर तरीके से वापस से खाली कर लिया है। अब हम लोग निकलेंगे वापस से उसी वाले स्ट्रॉन्ग होल्ड में। तभी मैंने वहां पर रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हार्डकोर में रिस्पॉन पॉइंट सेट करने का क्या मतलब बनता है, तो मतलब बनता है अभी आपको पता चलेगा। बहुत बार मैं ऐसा बोलता हूं तो ना लोग कमेंट करते हैं कि भाई हार्डकोर में थोड़ा ना रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं, बट ये फायदा मिलता है देख रहे हो, वरना मैं भी पहुंचा होता अपने घर, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ओके गाइस, तो नेदर पोर्टल बन चुका है और ये विलेज देखो कितना मस्त लोकेशन पे है ना। यहाँ पे एक बंदा है। ये वैसे भी परेशान है क्योंकि ये विलेज ना देखो, एक घर यहाँ पे है, एक घर वहाँ ऊपर कहीं पे, ये इसकी खेती क्यारी उधर पे है और एक घर वहाँ पे। तो ये यहाँ से सीधे नेदर में चलेगा मेरे साथ। आएगा क्या? नहीं आएगा, लेकिन पहुँच ही जाएगा। बस यार मैं फटाफट से ना फोर्ट्रेस के पास पहुँच जाऊँ, क्योंकि अब हमको ढूंढना है स्नाउट और उसके बाद दूसरा वाला जो होता है रिब। तो रिब हमको मिलेगा फोर्ट्रेस में और उसके चांस होते हैं 6.7%। तो इतना आसान भी नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होने वाला है। तो यहाँ पे तो अभी मेरे को ओपन लोकेशन तो दिख रही है, बट यहाँ इतनी आसानी से मिल चुका है। ओके गाइस, तो फटाफट से ना हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा। अब मेरे को जानना है यार, ये फोर्ट्रेस बहुत अजीब सी जगह में है, तो मेरी किस्मत इतनी फूटी कि जो मेरे को फोर्ट्रेस मिली थी, मतलब नेदर में आते ही मेरे को सबसे पहले फोर्ट्रेस मिल गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं खुश हो गया था। लेकिन उसमें वो वाला रूम ही नहीं है जहाँ पे वो होती है सारी चेस्ट वगैरह होती है, वो है ही नहीं वहाँ पे। यार ये ना रेंडर बहुत देर में हो रहा है, तो मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मैं दीवार से टकरा के ही मर जाऊँ। ध्यान से मुझे चलना होगा यहाँ पे। यार देखो ऐसा लग रहा है कि आसपास खुला है, बट वहाँ पे चंक अभी रेंडर नहीं हो रखे हैं। एक ना पोशन हाथ में लेके रखता हूँ इनके से, अगर कुछ होता है। देखो ऊपर से गिर रहा है ना लावा। तो गाइस मैं अभी आ रखा हूँ एक बास्टन में। ये मुझे अभी लग रहा है कि हॉगलिन स्टेबल आई थिंक ये है, नहीं हॉगलिन स्टेबल नहीं है ये ब्रिज बास्टन मुझे लग रहा है। तो ना देखो मैं सोच रहा हूँ कि सीधे नीचे कूदूं, पहले ये वाली चेस्ट देख के आते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले ना वहाँ पर देखूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा कीमती होता है, उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग बाकी चेस्ट देखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं सीधा नीचे, उसके बाद ऊपर आ जाऊंगा कहीं ना कहीं, फिर देखते हैं। चलो ठीक है। ओ मिल चुका, भागो यहाँ से। गोल्डन एप्पल। घबराहट में ऐसी हो जाता चीज है। ओके, तो हम लोग झटके से गए और झटके से आ गए वहां से वापस। तो रिब ढूंढने में तो मेरी हालत हो चुकी है खराब। मैंने जितने भी अभी तक फोर्ट्रेस देखे हैं उसमें किसी में भी मेरे को नहीं मिला, जबकि सब में इतनी इतनी चेस्ट है, लेकिन फिर भी किस्मत अपनी थोड़ी सी खराब चल रही है। अब हम चलते हैं वापस। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में ही बढ़ते रहते हैं। इसने दिमाग खराब कर रखा है।
वो एक मिल भी चुका है। ओके, यहीं पर हमको एक फोर्ट्रेस मिल चुकी है, बस यार इसमें हो जाए, है ना, ज्यादा वेट नहीं कर सकते हो, यहाँ से निकले क्योंकि हमको और भी बहुत सारे काम करने। एक मुझे सामने दिख रही है, क्या उसमें हम मिल सकता है? मुझे उम्मीदें बहुत कम लग रही है, पता नहीं क्यों। ओह, मिल चुका है फाइनली गाइस, हमको मिल चुका है यहाँ पर रिब आर्मर ट्रिम भी, और अपने पास गोल्ड भी बहुत सारा हो चुका है। चलिए अब जाके हम लोग निकलते हैं नेदर से बाहर। ओके गाइस, तो वापस से मैंने अपने इन्वेंट्री को तैयार कर लिया है आने वाले टास्क के लिए, यानी कि एंशिएंट सिटी के लिए। यहाँ पर मैंने एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल निकाल के रखा हुआ है जो मेरे को मिला था, बट उसके अलावा यहाँ पर नाइट विजन पोशंस है, एंडर पर्ल्स है, और बाकी वूल वगैरह मैंने निकाल के रखा ताकि काम आएगा। तो वहां पर हमको दो आर्मर ट्रिम मिलने वाले हैं, यानी कि हम लोग उसको ढूंढेंगे। नंबर वन है साइलेंस, जो मतलब बहुत ही रेयर है, 1.2% है उसके मिलने के चांसेस, और दूसरा जो है वॉट, यानी उसके 5% है। तो वो मेरे को लगता है कि शायद मिल जाएगा, क्योंकि इंजन सिटी में सबसे इजीली मिल जाती है चीजें। तो हमको ना ऐसे माउंटेन वाले केव में जाना पड़ेगा और वहां पे ढूंढना पड़ेगा। तो चल के देख लेते हैं एक बार कि क्या ये केव वैसी ही वाली लग रही जैसे मैं सोच रहा था इसको। लग तो रही है यार, एक सेकंड यहां से उतर के ना, कहां गया, यहां से ना थोड़ा सा देख लेते हैं। ओह, मेरे को लग रहा है यहाँ पे, नहीं इससे कंफर्म थोड़ा ना होता है ना। हाँ, इससे कंफर्म नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पर अगर ये है, अब यहाँ पे ना यार, यहाँ पे बहुत ध्यान से हमको आना पड़ेगा, मतलब सोच रहे हो यहाँ पे बहुत रिस्क है। अब -20 के नीचे मिलता है ना, तो थोड़ा हमको और नीचे जाना पड़ेगा। अभी हम लोग कौन से -14 पे हैं। ओह, चांस है, बहुत चांस है, बट किस साइड को जाए? ये देखो यहाँ पे लावा दिख रहा है, यहाँ को प्लेन, पहले ट्राई मिल चुकी है एंशिएंट सिटी। यहाँ पे एक्साइटमेंट से ज्यादा ना डर लग रही है। यार एक्साइटमेंट तो कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि खतरा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। वूल निकाल के रखते हैं, वही होगा हमारे लिए अभी सब कुछ। वूल निकाल लिया, नाइट विजन पोशन तो अभी नहीं चाहिए ना, वो बाद में काम आएगा। मैं ट्राई करने वाला हूँ कि बिना वार्डन को जगाए, वैसे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं यार बिना वार्डन को जगाए, बट मैं ट्राई करने वाला हूँ कि बिना चुपचाप जाऊँ यहाँ पर एक एक करके सारी चेस्ट। अरे नहीं, एक सामने चेस्ट मेरे को दिख रही है एक, तो ऐसे करके ना एक एक करके सारी चेस्ट को लूटूं। ठीक है, आसपास बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कुछ है तो नहीं, तो लंबे टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं। वो मेरे को दो चेस्ट एक साथ मिल रही है, तो हम लोग पहले तो चलने वाले हैं इस वाली चेस्ट में। ओ ओ, 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 ओ यहाँ पे है। ओके, अब कुछ डर वाली बात। ओ, वार्ड वाला तो हमको पहले में ही मिल गया। ओ शिट, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल तीन हो चुके हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास ये भी हो चुका है, अब सिर्फ मुझे एक चाहिए। हम लोगों ने 16 से स्टार्टिंग करी थी और अब मुझे सिर्फ एक चाहिए। स्माइट सिल्क टच, कीमती चीजें क्यों दे रहे मेरे को? ये देखो, ये सारी की सारी कीमती चीजें दे रहा है और उसके बाद मेरे पास जगह नहीं है फिर इनको रखने को। कहां रखूं मैं ये सब? ओके, थर्ड चेस्ट ओपन कर रहा हूं। क्या इसमें हमको, यार ये सब बहुत मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही है, बट वो नहीं मिल रहा। नहीं वार्डन, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। ओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अंधेरा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कुछ भी। ओके, मैं वो वाली चेस्ट लेने गया था आई थिंक, नहीं वो वाली नहीं, मैं उधर कहीं पे एक चेस्ट लेने गया था। फट से ओपन कर लो। क्या है कुछ देखने में, टाइम भी तो लग रहा है। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ये सब चीजें मिल रही है, मैं ले रहा हूँ सब जो भी है। तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं और एक छोटा सा छेद दिख गया था मेरे को, यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। चलिए अभी चलते हैं थोड़ा सा दूर कहीं और माउंटेन में। पहले तो एंशिएंट सिटी ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद वहां पर मेरे को अगर वार्ड ही मिल जाएगा दोबारा से, तो यार नहीं मेरे को साइलेंस वाला चाहिए, बहुत मुश्किल है यार। 1.2% चांस कम होते हैं, बहुत ही कम होता है। इतना खतरनाक यार, मुझे ना एक पोशन पी लेना चाहिए, मुझे बहुत ही अजीब लग रही है वाली केव। ये अब देखो ये पानी की टंकी है यार, बीच में पानी की टंकी भी बनी हुई आती है अब केव के अंदर, तो देखो पूरी पानी की टंकी है बीच वाली। ओके, तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। डीप स्लेट भी दिख गया, बट डीप स्लेट दिखने का मतलब ये नहीं कि हमको वो दिख जाए। एंशिएंट सिटी यहाँ पर फिलहाल तो बहुत सारे ये दिख रहे हैं मेरे को। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, इलाइट्रा भी मेरी रिपेयर हो जाएगी। तो ये केव तो नीचे तक जा रही है, यानी कि माइनस तक जा रही है। ओ नहीं, यहाँ पर है केव, डायरेक्ट दिख गई मेरे को यार। ओके गाइस, तो फिर हम लोग जा रहे हैं अपनी सेकंड वाली एंशिएंट सिटी में। उम्मीद है बहुत है इस वाली एंशिएंट सिटी से, बट
परसेंटेज देख के थोड़ा सा उम्मीदें नीचे गिर रही है। अब फिलहाल मैं पहली चेस्ट देखता हूँ, एक साइड से जाता हूँ ना, लेकिन वही तो है, बीच बीच में वो आ जाता ना यार, तो भागना पड़ता है, वरना मैं एक साइड से जाके आराम से चेस्ट लूटते हुए आता। बट मेरे को एंटर कहाँ से करना चाहिए, मुझे पहली चेस्ट दिख रही क्या? ओके, मेरे को पहली चेस्ट दिख रही है यहाँ पे। ओके, तो पहली चेस्ट ओपन करते हैं। टुकड़े मिल रहे हैं मेरे को ये बहुत सारे, यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग, वो लगा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये हटाता हूँ मैं, वो लगा लेते हैं। ओह, यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल। ओके, तो मैं यहाँ पे ना कुछ आयरन गोलम्स को स्पॉन कर रहा हूँ, जो उनसे लड़ता रहे और मैं अपना चुपचाप काम कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेस्ट, ओके ये वाली मैंने लूट ली, मुझे चेस्ट थोड़ी कम दिख रही है, मतलब टाइम लगता है ढूंढने में, तो मैं चाहता हूँ तब तक अगर कोई स्पॉन हो तो आयरन गोलम झेल ले उससे, ठीक है। एक आयरन गोलम यहाँ भी चलेगा, एक आयरन गोलम चलेगा यहाँ भी। वो गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल दो और मिल चुके मेरे को, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भाग रहा हूँ इसे, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, गया था अभी काम से। ओके, मुझे एक और यहाँ पर भी दिख रही है, ये देखो ये घूम रहा है इधर पे, इंतजार करवा रहा है, और कुछ नहीं, एक ये वाली चेस्ट बची हुई है और एक ये चेस्ट है और एक और चेस्ट है, उसके अलावा यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं मिला है, तो देखते हैं कि क्या मिलता है। हाँ, गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल तो बहुत मिले हुए हैं, वो रखे हुए मैंने, कि जाए अब तभी ना यार, ये देखो कैसे घूम रहा है, आंखें भी नहीं है इसकी, ये देखो उधर कहाँ भटक रहा है इधर इसको परेशान करने में भी मजा। ओ एक नहीं, ये तो मैं देखा है जैसे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपनी थर्ड एंशिएंट सिटी ढूंढने, यहाँ पे मेरे को साइन तो मिल गए, बट एंशिएंट सिटी होगी या नहीं होगी वो नीचे जाके पता चलेगा। ओके, यहाँ से अगर नीचे जाने है, ओके ओके, एक और एंशिएंट सिटी मेरे को दिख चुकी है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं बहुत ही ज्यादा आराम से, तो एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। हर बार मैं यही पहले ना यहाँ वाली चेस्ट में चले जाता हूँ, उसके बाद जाऊंगा दूसरे वाली चेस्ट में। नहीं, चलो यहाँ से, चलो नहीं, अभी तो मैं जस्ट आया ही था यार वहां पे, ये जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे रहता ही रहता है यार, यहाँ पे वार्डन रहता ही रहता है, मतलब वार्डन के स्पॉन होने का वो रहता है यहाँ पे, वार्डन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करते हैं। पहली में देखो गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल इतने सारे मिल रहे हैं और काम की चीजें नहीं मिल रही मेरे को यार। वहां देखो सब में मैंने रेड निशान लगाया, तो मुझे पता चल पा रहा है कि मैंने सारी की सारी चेस्ट लूट ली। फिलहाल मुझे ना ये चेस्ट लूटनी है, और इसके पास दो ये है सेंसर्स स्कल। मैं लालच, मैं देख रहा हूँ अपनी जान खतरे में लेके क्या क्या लूट रहा हूँ वहां सर। फाइनली गाइस हमको मिल चुका है हमारा आखिरी वाला स्पायर वाला, कहाँ गया साइलेंस, सॉरी साइलेंस, यहीं पे एक पोर्टल बनाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि अब हो चुका है हमारा काम खत्म। लेकिन फाइनली हमको आखिरी वाला 1.2% चांस होते हैं, और बहुत परेशान किया इसने मेरे को, मैं बहुत देर से भटक रहा हूँ, कई बार वार्डन आ जा रहा है, कई बार कुछ हो रहा है, और दिमाग खराब हो गया ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे। फाइन, अबे नहीं अब ये मत करो यार, वो कहाँ है, जा रहा अबे इससे पहले निकल लो, वार्डन यहीं पे स्पॉन हो रखे हमारे, सोनिक बूम ना मारे, और निकल लो। तो मैं एंड से भी सारी चीज़ें लेके आ चुका हूँ, जितनी भी लूट वहाँ पे रखी थी वो सब भी लेके आ गया अपने फूड बॉक्स वाले शल्कर बॉक्स में। अब जाके घर जाके देखते हैं, सबसे पहले जो मैं एक्साइटेड हूँ जिस चीज़ के लिए वो है गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल, मतलब इतनी सारी एंशिएंट सिटीज लूटी है, बहुत सारा गोल्डन एप्पल मिला हुआ है। अभी उड़ क्यों नहीं पाया मैं, नहीं एलाइटर तो एकदम परफेक्ट है। तो हम लोग चलते हैं वापस अपने वही जो टेम्परेरी बेस है। A few moments later. Okay guys, तो मैंने चेस्ट में सारी लूट रख ली, तो इतनी तो हमारे पास इंचेंटेड बुक्स हैं, उसके बाद हमारे पास टूल्स हैं, आर्मर है, और ये सब जो गोट हॉर्न है अलग अलग टाइप के, इसमें बहुत सही सही हैं, तो मेरे पास चार हो चुके हैं, पहले भी शायद एक और था, और उसके अलावा गोल्ड के ब्लॉक्स हमारे पास 23 हैं, 64 और प्लस 68 हमारे पास हो चुके हैं, डायमंड 4, इलाइटर तो खैर छोड़ ही दो, क्या करना है। उसके बाद हमारे पास ये शार्ट भी हो चुके हैं, काम आ जाएंगे बाद में, इसको छोड़ते हैं, और ये इससे हम लोग ना एक म्यूजिक डिस्क बना सकते हैं, जो शायद मैं पहली बार ही बनाने वाला हूँ आज, इससे पहले मेरे पास ये नहीं थी, को हम लोग बजाएंगे बाद में कभी फुर्सत में, अभी फिलहाल इसको रख देते हैं यहाँ पर। ये भी कीमती है यार, इसके लिए भी बहुत एंशिएंट सिटी के अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद अब हमारे पास है काम की चीज़, देखो 5 एंशिएंटेड एप्पल ये हैं,
दो ये हैं, पांच ये हैं, 12। बाप रे, 12 गोल्डन इंचेंटेड एप्पल है मेरे पास। और बाकी ये सारी चीजें अगर आप लोग लूट देखो तो खैर और कुछ है नहीं इसमें काम का। और हाँ, फाइनली हमारे पास वैक्स है, हमारे पास टाइड है, हमारे पास कोस्ट है, हमारे पास वे फाइंडर है, हमारे पास होस्ट है, रेजर है, शेपर है, हमारे पास ड्यून वाइल्ड सेंट्री आई स्पायर स्नाउट रिप वॉर्ड साइलेंस खत्म। बस साइलेंस, इसके बाद कुछ नहीं। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन सारे आर्मर टीम्स के लिए एक म्यूजियम बनाऊं और वहां पे डायमंड आर्मर के साथ मैं इनको सजा के लगाऊं तो प्लीज कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। फिलहाल आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।